CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ जो कविता पर आधारित है। पाठ का शीर्षक है एक मां की बेबसी। जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, खेलने हमारे साथ, खेलने हमारे साथ, रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, खेलता था हमारे साथ, एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था, वो भी एक बच्चा। एक मां की बेबसी, ये कविता मन को छू लेने वाली है। कविता पाठक को किस तरह से प्रभावित करती है ये पाठक के अनुभव पर निर्भर करेगा। ये कविता एक ऐसे बच्चे के बारे में है जो बोल नहीं सकता। गली मोहल्ले के बच्चों के लिए वो अजूबा था। बातचीत के जरिए हम दूसरों को समझ और जान पाते हैं। संवाद न होने से वो दूसरा हमारे लिए अनजाना बना रहता है, पर मौखिक बातचीत के अलावा भी दूसरों के भावों को समझने के कई तरीके हो सकते हैं। एक मां की बेबसी। इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र, उन साथियों में एक खास साथी रतन का और उसकी मां का एक चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है, उसे मन में उतरने में काफी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में अपना घर बना लेती है, किसी मौके पर वो उभर आती है। कविता हो या कहानी, सबके साथ यही होता है, इसलिए हमें इससे चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आती है या नहीं। हाँ, अगर उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। तो आइए सुनते हैं ये कविता संगीतबद्ध रूप में। जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वो, न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर
आता था वो खेलने हमारे साथ, खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था, खेलता था हमारे साथ, खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की तरह था, वो भी एक बच्चा। लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था, क्योंकि हमसे भिन्न था। अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना उसकी भयभीत आंखों में। हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, जितनी देर वो रहता पास बैठी उसकी माँ, निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा, जो बोल नहीं पाते हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी, उसकी बेबसी, उसकी बेबसी। एक माँ की बेबसी। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, रचनाकार राजेश जोशी, संगीतकार संतोष कुमार, गायन स्वर देवाशीष, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।